सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब हमारा साइंस का क्लास सिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम वाला, वो हमने फर्स्ट कंप्लीट किया। उसके बाद चैप्टर टू था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो हमने कंप्लीट किया लास्ट वीडियो में। अब थर्ड यूनिट है फाइबर टू फैब्रिक। इसमें क्या है कि जो फाइबर मतलब कि जो रेशे होते हैं, रेशे तंतु जिसे हम रेसे भी कहते हैं, जो धागे धागे सारे मिलके जिसे हम रेसे कहते हैं, तंतु ये सब, उनसे बनकर फैब्रिक मतलब कि जो कापड़ क्लॉथ जो हम कपड़े पहनते हैं वो बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम क्लॉथ्स पहनते हैं ना, जैसे अभी विंटर आएगा तो विंटर में हम कैसे वो स्वेटर्स पहनेंगे, जैकेट्स पहनेंगे। फिर उसके बाद मानसून, अभी मानसून है तो मानसून में हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे क्लॉथ्स पहनते हैं। फिर गर्मी की ऋतु आएगी मतलब कि जो, हाँ गर्मी के जो मतलब समर आएगा तो उसमें भी हम समर के क्लॉथ्स पहनते हैं ना, कॉटन के वो सब। तो इस सब टाइप के जो क्लॉथ्स हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें से क्लॉथ्स बनते हैं, फिर ऐसे कुछ इंसेक्ट हैं, हमने देखे थे ना कुछ इंसेक्ट, जैसे इंसेक्टिवोरियस भी जो कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे कुछ इंसेक्ट है एक दो इंसेक्ट जिनमें से वो मृत हो जाते हैं, तो उनमें से केमिकल प्रोसेस होके कुछ ऐसे क्लॉथ्स बनते हैं। फिर कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे कॉटन है, जैसे कपास है, तो कपास में से कैसे क्लॉथ्स बनते हैं, फिर केमिकल की हेल्प से, ये सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इस यूनिट में हम रीडिंग करेंगे मतलब कि समझेंगे, ठीक है। सो अब ये फाइबर टू फैब्रिक मतलब कि रेशों से कपड़ कापड़ तक, कि तंतु से कापड़ तक भी हम कह सकते हैं, ये हम थर्ड यूनिट अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है पहली, एंड वो जो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। अब पहली एंड वो जो गर्ल और बॉय है ना, जो बीच बीच में कभी कभी क्वेश्चन हमको पूछते रहते हैं, वो दोनों की स्कूल में साइंस कॉम्पिटिशन था मतलब कि साइंस की क्विज थी, तो उन्होंने वो मतलब कि उस गेम में वो विनर हुए, तो उसको उनमें स्कूल में वो विनर हुए हैं। दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। अब वो प्राइज मनी जीते हैं, मनी में मतलब कि प्राइज में वो मनी जीते हैं, पैसे जीते हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है, उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि वो इन पैसों से मतलब कि वो बहुत एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उन पैसों से वो प्राइज मनी से अपने जो मॉम एंड डैड है मतलब पेरेंट्स हैं उनके लिए वो कुछ क्लॉथ्स खरीदेंगे। वैन दे सो, अब क्लॉथ्स लेने वो जा रहे हैं मतलब, वैन दे सो लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज। अब वो उन्होंने डिसाइड किया कि उनके माता पिता के लिए वो प्राइज मनी से क्लॉथ्स लेंगे। फिर वो बाजार में गए होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने बाजार में गए मतलब कि शॉपिंग करने गए, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्लॉथ्स मटेरियल देखे, कि बहुत सारे ऐसे क्लॉथ्स देखे, तो देखिए फिगर 3.1 में, और वो कंफ्यूज हो गए। 3.1 आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्लॉथ्स हैं, आप भी कभी गए होंगे बाजार में क्लॉथ्स खरीदने या फिर कभी शॉपिंग करने, तो आपने भी इन सब टाइप की शॉप देखी होगी कि जिसमें बहुत सारे क्लॉथ्स पड़े होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। दे गॉट कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो गए मतलब कि कन्फ्यूजन हो गया उनको कि कौन सा ले कौन सा न ले। आपको भी कभी ऐसा हुआ होगा, आप कभी दिवाली की खरीदी पे गए होंगे या फिर कभी मैरिज है आपकी फैमिली में, तो आपने कभी कोई खरीदी की है क्लॉथ्स की, तो आप गए होंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये शर्ट लूँ, ये पेंट लूँ, ये इस टाइप के क्लॉथ्स लूँ, तो आप भी कन्फ्यूज हो गए होंगे, तो इस टाइप में वो कन्फ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। अब जो शॉपकीपर था कि दुकानदार था, उसने इनको बताया बोजो एंड पहली को कि कुछ क्लॉथ्स हैं वो कॉटन के हैं, कुछ फैब्रिक के हैं और कुछ सिंथेटिक के हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड सोल। अब जो उनके पास वुलन मफलर भी, हम जो विंटर में आपने देखा होगा कोई कोई लोग विंटर में मफलर पहनते हैं, वो भी है और शॉल भी है मतलब साल भी है। देयर वेयर मैनी सिल्क सारीज एज वेल। अब जो उनके पास सिल्क सारी भी सारीज भी थी, जो हमारे घर में जो मदर हैं सिस्टर हैं वो सब पहनते हैं ना सारीज, वो भी है उनके पास सिल्क में। पहली एंड वो जो फेल्ट वेरी एक्साइटेड,
दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। अब वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए और उन्होंने जो फैब्रिक था उसको टच किया और वो एक्साइटेड हो गए, उनको अच्छा लगा फैब्रिक को टच करके। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने वुलन मफलर लिया, जो मफलर होता है वो लिया जिसे हम विंटर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कॉटन की साड़ी ली। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पेली एंड बोजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। अब वो क्लॉथ मतलब शॉपिंग करके आ गए तो उनके आसपास की जो पूरा बाजार था तो उसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स देखे। दे फाउंड सम बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कॉटन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉयल एंड डस्टर वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। अब जो फैब्रिक से बने हैं जो ये जो क्लॉथ्स हैं, फिर सीट्स है, बेड सीट्स जिसे हम चादर कहते हैं, ब्लैंकेट, फिर टेबल क्लॉथ, इन टाइप के टॉयल, ये सब इन्होंने देखा फैब्रिक में। इवन देर स्कूल बैग्स एंड दे गैनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। अब जो स्कूल बैग है, फिर जो बड़े बड़े जो बैग होते हैं जिसमें हम सामान रखते हैं कहीं टूर पे जाते हैं, तो वो कैसे बड़े बड़े बैग होते हैं, उन टाइप के भी उन्होंने बैग्स देखे जो फैब्रिक से बने हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। अब क्या है कि उन्होंने ट्राई किया कि उन्होंने थोड़ी ऐसी जांच पड़ताल की कि जो अब उन्होंने ये देखा कि जो बैग्स हैं, फिर ये सब जो क्लोथ्स है वो किन से बना है, ये फैब्रिक किससे बना है, कॉटन का है मतलब कि जो कपास होता है उसका है, वूल का है, वूल मतलब जो ऊन, सिल्क, रेशम, सिंथेटिक उनका है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जिससे ये के होगा कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, सो अब यहाँ पे 3.1 सो अब हम देखते हैं 3.1 वेराइटी ऑन फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स में जो वेराइटी होती है वो एक्टिविटी वन है। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप कलेक्टिंग कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट और आफ्टर स्टिचिंग। अब आसपास के जो दर्जी होते हैं उनकी शॉप पे जाइए और उन्होंने जब वो स्टिचिंग कर लिया मतलब कि उन्होंने कोई कपड़ा बना लिया तो वो जब फेंक देते हैं, आप कभी गए होंगे दर्जी के दुकान पे तो कैसे वो एक टूटे हुए कपड़े फेंक देते हैं, तो इस टाइप का एक कपड़ा देखिए, उसको टच कीजिए, मतलब कि जो छोटा सा ऐसा कपड़ा होता है, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। अब जो वहाँ पे जो छोटा ऐसा कपड़ा होता है उसको टच कीजिए, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को टच कीजिए तो आपको फैब्रिक जैसा महसूस होगा पीस में। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फ्रॉम हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब क्या है कि जो सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी आपको कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी देर बाद हम स्टडी करते हैं। ठीक है, वो कुकर की आवाज़ बंद होगी फिर हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वो बैकग्राउंड में अब कुकर की आवाज़ बंद हो गई है, हमारा आज फूड बन गया है इसलिए। सो अब हम देखते हैं कि जो इसमें एक्टिविटी में क्या था कि आपको जो आपके आसपास जो टेलर की शॉप होती है, दर्जी की शॉप, वहाँ पे जाना है, मतलब कि जाना नहीं है कि इसमें ऐसे ही समझाया गया है, फिर उसमें आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि आप गए हो और ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो दर्जी होते हैं वो पूरा कापड़ बनाते हैं तो आपने देखा होगा, फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे क्लॉथ्स फेंक देते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे छोटे छोटे वो टुकड़े फेंक देते हैं, फिर उसको आपको टच करना है और उसको आपको देखना है कि उसमें फैब्रिक के हैं, तो आपको पता चलेगा, आपको फर्स्ट आपको देखना है कौन से क्या है, वो कॉटन है, सिल्क है, वूल है और सिंथेटिक है, फिर आप जो टेलर है तो आप उसकी हेल्प से पूछ सकते हैं कि ये कौन सा क्लॉथ है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। आपको यह डिफरेंट लगेगा कि वंडर लगेगा कि जो फैब्रिक है वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बना है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना है। व्हेन यू लुक एट द एनी फैब्रिक इट सीम कंटिन्यूस पीस, नाउ लुक एट इट्स कोजली व्हाट डू यू नोटिस। अब आप फैब्रिक को देखेंगे
तो वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा ही लगेगा, पीस ही लगेगा, बट आप उसको थोड़ा जूम मतलब कि आपको हमारी सामान्य भाषा में समझाऊं तो आप उसको थोड़ा जूम करके मतलब कि थोड़ा ऐसा नज़दीक से क्लोजली देखेंगे तो वो आपको रेशों में बटा हुआ दिखेगा, कि मतलब कि आपको ऐसे रेशे देखेंगे कि जैसे धागे, जिसे हम धागे कहते हैं, उन धागों में वो बिखरा हुआ आपको दिखेगा। आप 3.2 जो फिगर मतलब कि फोटो उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 2 देखते हैं, सेकंड एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि जो नज़दीक टेलर है तो उसकी शॉप पे जाइए और स्टिचिंग के बाद जो वो टुकड़े फेंक देते हैं उनको आप कलेक्ट कीजिए, तो आपको उसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कॉटन है, सिल्क है कि क्या है, आपको पता नहीं चलेगा। आप फिर जो टेलर, तो उसकी ऐप से आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सी फैब्रिक का है, कि कौन से टाइप के इसमें कॉटन है, सिल्क है, वो सब आप उसकी हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 2। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब जो आपने एक्टिविटी 1 में जो फैब्रिक का जो टुकड़ा लिया था उसको लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट लॉस्ट थ्रेड ऑन थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। अब फिगर 3.3 में है कि आप वो टुकड़े को लीजिए। अब जो टुकड़ा है मतलब कि वो लेवल है, तो उसमें आप जो यान मतलब कि जो धागे हैं उसको निकालने की कोशिश कीजिए, कि आपको अच्छे मतलब कि जो बॉर्डर है वहाँ पे आप थोड़े उसको निकालेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि जो धागे आप निकालते हैं वो उस धागे को निकालिए। इफ़ नो लूज याम और एयर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन पुल आउट विद द पिन और एंड मिडल। अब जो जो ये लेबल है टुकड़ा है वो उसमें से आप धागे नहीं निकाल पा रहे, तो आप किसी पिन की हेल्प लीजिए या फिर निडल मतलब कि जिसे हम सुई कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, जिसे हम निडल कहते हैं सुई, उसकी हेल्प से आप उसको निकालिए। तो आप यहाँ पे फिगर 3.3 में देख सकते हैं कि कैसे पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, की फैब्रिक में से थ्रेड यान कि कैसे वो तंतु मतलब कि एक धागा निकल रहा है, कि धागे निकल रहे हैं। देखिए एक 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 धागे यहाँ पे है ना, कैसे वो धागे निकल रहे हैं। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। अब हमने क्या फाइंड किया, कि हमने अब क्या फाइंड किया कि जो फैब्रिक है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कि ये जो सारे धागे हैं कि यार्न्स हैं वो एक दूसरे में अरेंज हैं, कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए कि एक 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 करके ऐसे कितने कितने लाखों की संख्या में बहुत सारे जो क्लॉथ्स हैं उनमें एक एक धागे होते हैं, कि आपने आज ये फाइंड किया कि ये जो धागे हैं कि वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ बन के मतलब कि जूथ बन के वो एक फैब्रिक की रचना करते हैं। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप यार्न्स अरेंज टुगेदर। हमने ये फाइंड किया कि ये जो फैब्रिक है वो सब जो यार्न्स हैं वो सब अरेंज होके कि एक साथ जुड़े बन के फैब्रिक बनता है। वॉट आर दिस यार्न्स मेड ऑफ। अब हम ये फाइंड करेंगे कि अब हमने ये तो फाइंड कर लिया जो फैब्रिक है वो उसमें ऐसे जो धागे हैं वो सब जुड़ के मतलब कि एक साथ बन के फैब्रिक की रचना करते हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे कि ये जो यार्न्स हैं ये मतलब कि ये धागे हैं वो किस में से बनते हैं, कि अब ये धागा है कि वो कौन से प्लांट्स में से, कौन से एनिमल्स के और केमिकल में से बनता है, कि अब वो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम वो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब ये देखेंगे एक्टिविटी 3 है फाइबर वाली, कि ये जो धागे हैं कि वो कैसे कैसे बनते हैं, फिर कॉटन के बारे में हम देखेंगे, फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब वर्कबुक के क्वेश्चन जो आपके बाकी रह गए, हम डेली वीडियो में ये देखेंगे कि साइंस का जब भी लेक्चर होगा तो आपकी वर्कबुक में जो जो क्वेश्चन बाकी रह गए। अब जो आपकी वर्कबुक है जिसमें यूनिट 1, हाँ कि जिसमें यूनिट 1 है जो फूड वेयर डज इट क्रम फॉर्म वाला, कि उसमें मैंने यहाँ पे फोटो भी लगाई है वर्कबुक के, हाँ यहाँ पे जो पेज नंबर 8 है इसमें नहीं दिखाई दे रहा, जो इसमें 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है, फिर 6 क्वेश्चन है, उसके भी यहाँ पे मैंने आंसर रख दिया। जो 3 है नेम ऑफ द प्लांट वी एट्रो, कि हम जो कच्चे खा सकते हैं उनके पार्ट्स भी लिखने, जैसे ब्रिंजल प्लांट है तो उसका जो हम फ्रूट खा सकते हैं मतलब कि वो फ्रूट के फॉर्म में है प्लांट का, फिर सलाद है तो वो सीड के फॉर्म में है, फिर कैरेट है तो वो रूट्स में, ये जो क्वेश्चन था वो मैंने आपकी एग्ज़ाम में भी रखा था।
फिर कैबेज है तो फ्लावर ये भी था, फिर व्हीट सीड के फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। फिर उसके बाद है कि कौन सा क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट स्टेप आर टू बी टेकन टू स्टॉप इट वेस्टेज ऑफ फूड। अब जो हम फूड को जो वेस्ट करते हैं उसके हम क्या स्टेप कर सकते हैं, कि जो स्टेप हैं वो यहाँ पे हैं। वी शुड कुक फूड एज अ पर रिक्वायरमेंट, जो जो जैसे हमारा भोजन है तो वो भोजन जो बचता मतलब कि वेस्ट होता है तो वो वेस्ट ना, उसके लिए हम क्या क्या मतलब कि क्या क्या हम स्टेप ले सकते हैं। तो जो फूड है वी शुड कुक फूड एज अ पर रिक्वायरमेंट, जो हम फूड बनाते हैं वो रिक्वायरमेंट पे बनना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी अ कंज्यूम विद द पर्टिकुलर टाइम आफ्टर परचेजिंग, वी मस्ट कीप अ चेक दैट वे आर नॉट वेस्टेड। कि जो हम फूड और फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल लेते हैं वो हमको टाइम टाइम पे चेक करना चाहिए, वो बिगड़ ना गए। हमको जो चाहिए वो हमारी रिक्वायरमेंट पे लेना चाहिए। वी शुड टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स इन अवर हाउस सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड। अब जो हमारे घर में अनाज होते हैं वो हमको अच्छी तरह से रखने चाहिए और उनकी हमको झाड़नी करनी चाहिए जिससे वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है हाउ डज हनी बी प्रोड्यूस हनी, जो हनी होती है मतलब हनी बीज होती है कि जिसे हम मधुमक्खी कहते हैं, वो हनी कैसे बना दी है। हमने वीडियो में भी देखा था जब इसका पार्ट आया था, तो इससे वो नेक्टर में से कैसे जूस लेते हैं फ्लावर में से और कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव, जो उनके मधपुड़े में वो रखते हैं, ठीक है। ये सब के बारे में हमने पूरी स्टडी भी की है, तो ये उसका आंसर है। उसके बाद है व्हाट आर द कैटेगरीज इन विच एनिमल्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिक्स ऑफ फूड हैबिट्स, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द। अब जो एनिमल्स के जो प्रकार है जिसे हर्बीवर्स कार्निवर्स ओमनिवर्स जिसे हम सामान्य भाषा में मांसाहारी फिर मिश्राहारी एंड शाकाहारी भी कहते हैं, इन सब के जो हमने पार्ट्स देखे थे कि हर्बीवर्स है तो उसमें डियर एंड रैबिट आते हैं, उसके एग्जाम्पल भी इनको लिखने हैं, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा आपकी वर्कबुक में। फिर कैट इज एंड ओमनिवर, जो कैट है वो ओमनिवर है, कि जो कैट है कि वो मिश्राहारी है तो उसके बारे में हमको लिखना है। कैट एट्स रेट्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स एंड एज वेल चपाटी मिल्क एंड अदर कुक्ड आइटम्स। जो कैट्स है मतलब जो जिसे हम बिल्लाड़ी कहते हैं, बिल्ली जिसे हम बिल्लाड़ी कहते हैं, वो कैट वो रेट्स भी खाती है, मतलब जो उंदर होता है उसको भी खाती है, और अदर जैसे चपाटी है मिल्क है दूध वो सब भी वो कुक की फूड में लेती है, तो इसकी वजह से हम उसको बहुत कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसको ओमनिवर कहते हैं। फिर हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स की वो तफावत है, तो वो भी आपको दो दो लिखनी है, ठीक है। सो आज का आपका होमवर्क ये है कि जो वर्कबुक के जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं उनके आंसर आप आपकी वर्कबुक में लिख दीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, ठीक है। सो हमारा जो न्यू यूनिट आज स्टार्ट हुआ है फाइबर टू फैब्रिक वाला, उसमें किसी को आज जितना हमने स्टडी किया उसमें किसी को कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कांटेक्ट करके पूछ लीजिए, ठीक है। चिल्ड्रंस कोई भी आपको डाउट हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।